आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो अब दोपहर का समय है, 1:30 बजने वाली है, 1 बजे शायद 1:30 बजने वाली है। तो कोई काम नहीं था, मेरे बहू भी काम करके ऊपर चली गई थी, उसे पढ़ाई करनी थी, और मैं भी खाली बैठी बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा मटर छील दूं। शाम को मटर की सब्जी बनेगी तो मटर छील देती हूँ, तो उसको बनाने में आसानी होगी, बहू को बनाने में। तैयार रहती है सब्जी तो फटाफट वो कर लेती है, बेचारी मना नहीं करती कुछ भी करने को। नहीं भी अगर छीलूंगी मैं मटर तो वो छील लेगी, कर लेगी सब। लेकिन मैं सोच रही हूँ खाली बैठी मैं क्या करूँ, तो मैं बस मटर छील के रख रही हूँ। तो दोस्तों दोपहर के ऐसे कई काम हैं जो छोटे मोटे काम हैं वो जरूरी भी होते हैं और मेरा भी टाइम पास हो जाता है। तो ऐसे छोटे मोटे कई काम मैं कर देती हूँ जो किचन में जरूरी है, जैसे मसालेदार की भरनी है या कोई चाय चीनी के डब्बे खाली हो गए हो डेली यूज के वो भरने हैं, या कोई धनिया वनिया पीसना है, तो वो काम मैं कर लेती हूँ। मेरा टाइम भी पास हो जाता है, बहू भी पढ़ लेती इस टाइम में, और उसको सुविधा भी हो जाती है शाम को या सुबह जो भी उसको काम करना होता है उसमें उसको सुविधा हो जाती है, तो मैं ऐसे पढ़ लेती हूँ। तो चीनी और चाय के डब्बे खाली हो गए हैं थोड़े थोड़े, तो इनमें भर देती हूँ। चाय बनती रहती है तो ये थोड़े खाली होते रहते हैं डब्बे, तो ये जो दोपहर में मैं कर लेती हूँ इन कामों को। ये भी खाली हो गई है, जब वो इतने सारे काम बहू कर देती है तो थोड़ा उसके लिए सुविधाजनक बना देती हूँ कामों को, और तो क्या है टाइम भी पास हो जाता है और उसकी सुविधा का सब काम हो जाता है। करने को तो वो करेगी, अगर ना करके दूंगी तो वो करेगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ना करे, बहुत काफी होशियार है बहू, मेरी बहू काफी होशियार है काम में, लेकिन मुझे थोड़ा सा दयालु नेचर है मेरा तो मुझे लगता है कि उसको सारा करके दे दूं तो छोटे मोटे उसको काम ना करने पड़े, तो जब वो ऊपर जाती है तो मैं ही काम कर देती हूँ क्योंकि मेरा भी टाइम पास हो जाता है इस तरह से। और मसाले दाने में कोई भी चीज अगर मुझे कम लगती है तो मैं पहले उसको भर के रख देती हूँ। बाकी वो होशियार है बहुत। तो ये मैंने भर के रखी है, अभी धनिया है इनको भी मुझे पीसना है, थोड़ा दरदरा रखती हूँ मैं, मुझे दरदरी धनिया पसंद है। साफ धनी मिलते हैं तो इनको साफ करने की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसे ही पीस लेते हैं, बिल्कुल भी साफ धनी मिलते हैं तो मैं इनको पीस के रख देती हूँ। मुझे बाजार का धनिया पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो धनिया मैं घर पे ही पीस के रखती हूँ
और थोड़ा सा दरदरा पीसती हूँ, ये मुझे काफी पसंद है। दरदरे से मुझे थोड़ी सब्जी अच्छी लगती है। थोड़ा सा खाली हो गया था तो मैंने कहा इसको भर दूं। दोस्तों दोपहर के ये काम मेरे होते हैं, ये बस मैं करती रहती हूँ, मेरा टाइम भी पास हो जाता है। छोटे काम कर देने चाहिए। अब ये है कि मैं अकेली तो हूं नहीं, तो अब मुझे वीडियोस भी ऐसी बनानी है जिसमें सास और बहू का जो कुछ है कि बहू को क्या करना चाहिए, सास को क्या करना चाहिए। तो सास बहू तो अपने निभाई रही है, कर्तव्य सारी निभाई रही है, तो मेरा जो फर्ज बनता है मैं भी वो कुछ कर दू, क्योंकि दिन भर बैठ के तो मेरी आदत नहीं है कि मैं बैठी रहूं, क्योंकि हमेशा काम किया है तो मन नहीं रहता मेरा बैठने से, तो मैं थोड़ा 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 काम करती रहती हूँ जिससे मेरा मन लगा रहता है और उसको भी सुविधा हो जाती है। ये जैसे अदरक है तो अदरक इसमें खत्म हो गई है, तो फिर मैं अदरक भी रख देती हूँ, तो अदरक भी उसको मिल जाती है चाय बनाने के टाइम। इसको खाली होती मैं इसमें अदरक डाल देती हूँ। तो दोस्तों खाली वक्त का उपयोग कैसे करूं? गमले तो काफी गमले हैं, कल मैं पौधे लेके आई थी और उनको गमलों में लगा भी दिया, लेकिन मेरे पास ये डब्बे पड़े हैं, मैंने इन्हें रख रखे थे, सोचा था शादी जब बेटे की हो जाएगी तो उसके बाद खाली समय का उपयोग करूंगी, तो इन डब्बों के गमले बनाऊंगी मैं। तो देखिए इनको मैं आज आपको गर्म करके फिर काटूंगी। देखिए दोस्तों इसको मैं साफ कर लूंगी और नीचे इसके खड्डे कर दूंगी पानी ड्रेन होने के लिए, और एक गमला मैं इसमें भी लगा दूंगी, यहाँ पे एक खड्डा यहाँ पे कर दूंगी जिससे पानी ड्रेन होता रहेगा, ज्यादा पानी नहीं होगा। और फिर इसको तो चाहे मैं हैंगिंग पॉट भी बना सकती हूँ, और इसमें ऐसे दो तीन डब्बे हैं, तो मैं जब इनको पूरा कर लूंगी गमले बना के कोई कलर वलर करके तो मैं आपको जरूर दे। कटिंग कर दिया, उसमें बीच में नीचे छेद कर दूंगी तो इसको थोड़ा सा सुंदर बना देती हूँ।
कलर कर रही हूँ। एक्रेलिक कलर है ही मेरे पास, तो पूरे में कलर नहीं कर रही हूँ, थोड़ी सी डिजाइन कर रही हूँ जिससे ये सुंदर हो जाएगा। कलर बच गया था, ये कलर इसमें अच्छा भी लग रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये पेंटिंग, या मेरा ये गमला कैसा लगा? जब इसमें पौधे लगा दूंगी तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये मेरा आज का दोपहर का काम हो चुका है, अब बस चाय का टाइम हो रहा है, बेटा भी आने वाला है और बस हम लोग चाय पियेंगे।